अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम आए हुए हैं भमाला रोज़ा अफ्तारी के ऊपर। और ये मनाज़र आप सामने देख सकते हैं कि धूप साथ में गहरे बादल, और इसका अक्स आप पानी के ऊपर भी देख सकते हैं। और दूसरी जानिब आप इसका नज़ारा देखें कि ये ऐसे नज़ारे बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। और वो सामने लाइट्स नाज़रीन आपको नज़र आ रही होंगी, नहीं अभी हम आपको दिखाते हैं। ये हमारे मीर साहब आ रहे हैं, आसम मीर साहब, जिन्होंने हमें यहाँ पे 4 बजे का बुलाया था और अभी 6 बजे के करीब ये खुद पहुँच रहे हैं यहाँ पे नाज़रीन। लेकिन हमने यहाँ पे नज़ारों को खूब इंजॉय किया है। बारिश लगी हुई थी जिस वक्त हम पहुँचे हैं यहाँ पे, तो हमारे पास यहाँ पे जगह नहीं थी क्योंकि होटल सारे यहाँ पे बंद हैं। हम यहाँ पे किसी होटल पे नहीं ठहर सकते थे, बहुत सख्त जुर्माना किया जा रहा है यहाँ पे होटल को। तो हमने लॉकडाउन से बचने के लिए बंदोबस्त क्या किया है, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे असद जरगर साहब हमारे जो कमांडो हैं, उन्होंने कुकिंग के लिए और अफ्तारी के लिए जो जगह ढूंढी है वो देखें। ये एक पुली है, पुली के नीचे हम बैठे हैं, जगह साफ कर दी गई है सारा लकड़ियां जमा करके। अब यहाँ पे हम अफ्तारी का बंदोबस्त कर रहे हैं। असद जरगर साहब अपने काम में मशगूल हैं, और साथ ही ये कुदरत के हसीन नज़ारे, और रेनबो बन चुकी है यहाँ पे, बहुत ही कम ये नज़ारे देखने को मिलते हैं यहाँ पे। धूप, बादल, बारिश, पानी, सब्जा, इस वक्त सब कुछ यहाँ पर हमें नजर आ रहा है। जी एस साहब, फिर आज हमें आप क्या खिला रहे हैं? आज आपको इंशाल्लाह चिकन कढ़ाई खिला रहे हैं, और हमें भी जगह नहीं मिली क्योंकि आज रुके बारिश हो रही है, और अभी आग खिलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपकी गाड़ी से टीचर लगा रही है, उनसे आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं जी। ये हमारे कमांडो साहब, जहाँ पे भी हम जाते हैं लंबे सफर में, तो ये कुछ ना कुछ अपना धंतर मंतर करके हमारा काम चला देते हैं। वो कागान नारान हो, स्कर्दू हो, पाकिस्तान दूसरे इलाके हो, ये हमारी मदद कर ही देते हैं यहाँ पे। तो अभी हमारे जो मेज़बान हैं वो पहुँच चुके हैं, उनकी जीप की लाइटें यहाँ पर नजर आना शुरू हो गई हैं, और अब हमें यकीन हो गया है कि हम अफ्तारी यहाँ पर कर लेंगे। नाज़रीन, मौसम बड़ा अच्छा खूबसूरत हो चुका है, तो हमने कहा सिर्फ आपको ये थोड़े से नज़ारे दिखा दिए जाएं यहाँ पे। और सामने यहाँ पे आप देखें कि रेनबो बन चुकी है, और ये मीर साहब अपनी गाड़ी पे तशरीफ ले आए हैं जिनका हमें इंतज़ार था। नाज़रीन, इस वक्त यहाँ पर टाइम हो चुका है 6 बजे से ज़्यादा का। थोड़ा सा मैं आपको पहले यहाँ का मंज़र दिखा दूँ कि यहाँ पर कुदरत ने हमें बेहतरीन किस्म के मनाज़र दिखा दिए हैं। पानी, बादल, धूप, और ये देखें आप, ये सब खानपुर है। लेकिन इस वक्त हमारे दोस्त क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वो भी थोड़ी सी आपको दिखा दें। मीर साहब पहुंच चुके हैं अपने साथियों के साथ, जो पहले हमने आपको दिखाया वो मीर साहब की पहले की एक्टिविटी थी, अब ये पहुंच चुके हैं। तो ये वो सबसे ख़ास चीज़ है जिसके साथ अभी मीर साहब ने फोटोग्राफी की है, और इस वक्त ये हमारे लिए भी बहुत ख़ास चीज़ है क्योंकि अफ्तारी के बाद इसने हमें सहारा देना है। ये फोटोग्राफी भी देखें मीर साहब ने जो की है।
ये आप देख सकते हैं ज़बरदस्त किस्म की फ़ोटोग्राफी है, और इस फोटोग्राफी से हमें फ़ायदा पहुँचे ना पहुँचे, लेकिन इस वक्त जो असद जरगर कर रहा है उससे हमें बड़ा फ़ायदा पहुँच रहा है। असद सब काम ओके है जी? पुली के नीचे ये काम तो चलता रहेगा। नाज़रीन लाइट यहाँ पर नीचे जा रही है, तो उससे पहले हम अब आपको ये देख लें पहले हमारी इफ्तारी। अभी हम आपको थोड़ा सा नेचर दिखा दें यहाँ पे, क्योंकि नेचर ना हो तो मज़ा नहीं। नाज़रीन हमने यहाँ पर अपना सेटअप लगा दिया है। मीर साहब ने यहाँ पर लाइटिंग का बंदोबस्त भी कर दिया है।